आपको बिजली की कीमतें बढ़ी, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये जो करेंसी कंट्रोल हो रही है और अपनी रियल वैल्यू की तरफ आ रही है, सिर्फ रोका किसको है कि जो लोग डॉलर जो है वो टैक्स बचा के डॉलर खरीद रहे, सिर्फ उनको रोका एक्सचेंज कंपनी। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं थी कि 160 रुपए का डॉलर 286 होता या 305 होता, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम को ये महंगाई जो है वो का सामना करना पड़ा। 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, निगरान हुकूमत ने आवाम को उम्मीद दिला दी। वफाकी वजीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज कहते हैं रुपया मुस्तहकम हुआ, नतायज अच्छे आएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल में बड़ी सरमायाकारी आ रही है। गवर्नर सिंह कामरान चौसरी बोले जो डॉलर हाथ नहीं आ रहा था अब हाथ आ गया, डॉलर 250 का हो जाएगा। डॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन का असर, पेट्रोलियम मसनूआत में 12 रुपए तक कमी का इम्कान, पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। निगरान दौर में पेट्रोल 58 रुपए लीटर महंगा हो चुका, 16 सितंबर को पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा हुआ था, इस वक्त पेट्रोल की कीमत 331 रुपए लीटर है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां, नून लीग ने लाहौर में जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जलसे होंगे, मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। पहला जलसा NA-123 और NA-124 में होगा, सैफुल मलूक खोखर ने प्लान बता दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशत गर्दों में फायरिंग, सिपाही शकील शफकत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इलाके में मौजूद मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए किया जा रहा था। पंजाब में अदविया साज कंपनी के 2 नंबर इंजेक्शन का स्कैंडल, लाहौर और कसूर में जाली टीकों से दर्जनों अफराद की बिनाई खत्म हो गई। शुगर के मरीजों को दौरान इलाज टीके लगे, पहले आंखों में इंफेक्शन फैला फिर बिनाई चली गई। डीजी ड्रग कंट्रोल का नोटिस, सूबे भर से टीकों का स्टॉक उठा लिया गया, टीके मकामी सतह पर तैयार किए जाने का इंकशाफ, तहकीकाती कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में तैयारों पर लेजर लाइट्स मारने के वाकयात, एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते तैयारों पर मॉडल कॉलोनी, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी से लेजर लाइट्स मारी गई। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 6 परवाजें लेजर लाइट की जद में आईं। लेजर लाइट परवाज के उतरते और उड़ते वक्त खतरनाक होती है, जिले इंतजामी और बल्दियाती इदारों का इजलास 28 सितंबर को तलब। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कामयाब दौरा चीन मुकम्मल हो गया। दौरा चीन में मईशत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुआवनत पर इत्तेफाक, तालीम, ज़राअत, सेहत, सकाफत और सियाहत पर बात हुई। साहिवाल, बहावलपुर और 2 चीनी शहरों को सिस्टर सिटीज करार देने का मुआहिदा तय पाया। मोहसिन नकवी ने हस्पतालों का निज़ाम देखा, सेफ सिटी पुलिस के निज़ाम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। मोहसिन स्पीड ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में मजीद मिठास बढ़ा दी। मोहसिन नकवी ने नंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम का अफ्तिताह किया। फ्रेंडशिप सिटीज फोरम का अफ्तिताह करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर आला का एजाज हासिल किया। अपने खिताब में चीन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार करार दिया। वजीर आला को चीनी जराए ब्लाग में खसूसी अहमियत दी गई। मोहसिन नकवी इन चाइना समाजी रबते की वेबसाइट पर टॉप ट्रेंड रहे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर घोड़ा चौक फ्लाईओवर और खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने मंसूबों पर काम करने वाले वर्कर्स से मुसाफा किया, सुबह सवेरे काम होता देखकर शाबाश दी, मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। पाकिस्तान में 40 साल के दौरान बेशुमार गैर कानूनी अफगान शहरियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी। अक्वामे मुत्तहिदा के जून 2023 तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रिहायश पजीर अफगान शहरियों की कुल तादाद 37 लाख है, जिनमें से सिर्फ 13,03,000 रजिस्टर हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरी मुनशियात और दूसरी गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग में मुलविस हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। वादी नीलम में साल की पहली बर्फबारी का आगाज,
बलाई इलाकों में मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। पंजाबी अदब के शेक्सपियर सैयद वारिस शाह उर्स की 3 रोजा तकरीबात जारी। डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर और डीपीओ जाहिर नवाज ने मजार को अर्के गुलाब से हुसल दिया। मुल्क भर से जायरीन की आमद जारी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नॉर्वेजियन विंग सूट पायलट का पाकिस्तान में नया कारनामा। नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले 2 विंग सूट पायलट्स ने पाकिस्तान में नया कारनामा सर अंजाम दिया। नॉर्वेजियन पायलट्स एम्बर फोर्ट और एसिप्न ने हंजा की वादी गुजाल के गांव शिशकट में बुलंद पहाड़ से अताबाद झील के करीब छलांग लगाई। विंग सूट पायलट एम्बर फोर्ट और एसपेन ने दुनिया भर से सयाहों को पाकिस्तान आने की दावत दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों में फायरिंग। सिपाही शकील शफकत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इलाके में मौजूद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए किया जा रहा था। पंजाब में अद्विया साज कंपनी के 2 नंबर इंजेक्शन का स्कैंडल। लाहौर और कसूर में जाली टीकों से दर्जनों अफराद की बिनाई खत्म हो गई। शुगर के मरीजों को दौरान इलाज टीके लगे। पहले आंखों में इंफेक्शन फैला फिर बिनाई चली गई। डीजी ड्रग कंट्रोल का नोटिस। सूबे भर से टीकों का स्टॉक उठा लिया गया। टीके मकामी सतह पर तैयार किए जाने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में तैयारों पर लेजर लाइट्स मारने के वाकयात। एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते तैयारों पर मॉडल कॉलोनी कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी से लेजर लाइट्स मारी गईं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान 6 परवाजें लेजर लाइट की जद में आईं। लेजर लाइट परवाज के उतरते और उड़ते वक्त खतरनाक होती है। जिले इंतजामी और बल्दियाती इदारों का इजलास 28 सितम्बर को तलब। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कामयाब दौरा चीन मुकम्मल हो गया। दौरा चीन में मईशत तिजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में मुआवनत पर इत्तेफाक। तालीम ज़राअत सेहत सकाफत और सियाहत पर बात हुई। साहिवाल बहावलपुर और 2 चीनी शहरों को सिस्टर सिटीज करार देने का मुआहदा तय पाया। मोहसिन नकवी ने हस्पतालों का निज़ाम देखा। सेफ सिटी पुलिस के निज़ाम और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। और चीनी शहर हांगजू में 19वीं एशियन गेम्स का आगाज। ओलंपिक स्टेडियम रोशनियों से जगमगा उठा। लाइट प्रोजेक्शन का दिल फरेब मुजाहिरा। इफ्तिताही तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आला हुकाम की शिरकत। एथलीट्स का अपने मुल्क के परचम थामे मार्च पास्ट। एशियाई खेलों के रंगारंग मुकाबले 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तानी एथलीट 24 खेलों में हिस्सा लेंगे।